बोले भारत माता की, गौ माता की, सत्य सनातन हिंदू वैदिक धर्म की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। आज इतना ये सुहाना अवसर, आप हमको जानते हैं, हम आपको जानते हैं, एक दूसरे की शक्ल को चाहे कम पहचानते हो, आत्मा से पहचान हमारी पक्की है, क्योंकि आत्मा तो सबके भीतर एक ही है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवान उपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्स्यति यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यत। हम तो एको वशी सर्वभूतंतरात्मा, यत्र विश्वम भवत्येक निडम, एकत्व के उपासक हैं। एक ही आत्मा, उसका वास इस पूरे अस्तित्व में है, और हम सब के भीतर वही ज्योतिर्मय शुद्ध पावन आत्मा, और हम सब इसी एकत्व सह अस्तित्व और विश्व बंधुत्व के पावन भाव के साथ बंधे हुए आज यहाँ पर आए हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश धर्म और संस्कृति के रक्षक, हिंदू और हिंदुत्व के पुरोधा और हमारे भारत के प्राणभूत, हमारी सनातन हिंदू संस्कृति और परंपराओं के प्रबल पोषक और रक्षक आदरणीय श्री मोहन भागवत जी यहाँ पर हैं। एक बार उनका सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। वो साधारण वस्त्रों में एक असाधारण कार्य कर रहे हैं। उनका वस्त्र साधारण है, लेकिन उनका चरित्र असाधारण है। श्रद्धे हेडगेवार जी से लेकर के और मोहन भागवत जी तक, जो हमारे सरसंघ चालकों की एक पावन आदर्श की परंपरा रही है, लगभग अभी 2025 तक 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। इन लगभग 100 वर्षों की तपस्या को हम प्रणाम करते हैं। संघ के लाखों करोड़ों ऐसे प्रचारकों ने, स्वयं सेवकों ने और आस्थावान देशभक्त हमारे, वो निष्ठावान और उसी संघ के तपस्या के भट्टी में हमारे पूज्य महाराज जी विजय कौशल जी, ये जब मेरी एक दिन से काफ़ी लंबी वार्ता हुई तब मुझे पता लगा कि ये भी पहले प्रचारक ही थे। तो महाराज आपने प्रचारक तो दिए ही, आपने हमें बहुत से संत भी दिए हैं संघ ने, इसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और विजय कौशल जी महाराज जी के साथ लगभग हमारा 25 वर्षों का संबंध है। जब हमको दुनिया में लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, तब विजय कौशल जी महाराज जी के हरिद्वार में एक कथा हो रही थी। हमने सुना एक बहुत बड़े महाराज हैं, कथा करते हैं, तो उस जमाने में इनकी कथा में छोटे टीवी सेट लगे हुए थे, कुर्सियां बिछी हुई थी। उस समय के कोई बड़े हरिद्वार के आदमी थे, उन्होंने वो कथा आयोजन की थी, तो इनकी कथा में एक दर्शक बनकर के मैं भी सुनने का सौभाग्य मिला था 25 वर्ष पहले। और तब से महाराज जी से एक अनन्य प्रीति है, और महाराज जी ने देश धर्म और संस्कृति के लिए, वनवासियों के लिए, और हमारे हरिद्वार में ही एक कुष्ठ रोगियों की सेवा का आश्रम चलता है, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के माध्यम से। महाराज जी ने अपना पूरा जीवन देश धर्म संस्कृति और भगवान के लिए समर्पित किया है। ऐसे एक तपस्वी जीवन को, एक ऋषिकल्प जीवन को हमारा प्रणाम। जिनको अपने लिए कुछ चाह नहीं, हमारे शास्त्रों में अकाम होना और अलोभ होना, निष्काम होना और निर्लोभ होना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ऐसा पावन जीवन जीने वाले हमारे श्रद्धेय पूज्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय विजय कौशल जी महाराज, मंच के सामने, मंच के दाहिनी ओर पूज्य दीदी माँ से लेकर के हमारे महाराज जी, जिन्होंने धर्म सत्ता से लेकर के अध्यात्म सत्ता में बहुत बड़े कार्य किए, चिन्मयानंद जी महाराज जी और हमारे योगी जी महाराज। देखो, ये भी करोड़ों देशभक्त भारतीयों को बहुत गौरव होता है कि देश का प्रधानमंत्री भी योगी है और देश का मुख्यमंत्री भी योगी। अब तो
ये योग को, अध्यात्म को, भारत को, भारतीयता को आज आज़ादी के 70 वर्षों के बाद बहुत बड़ा गौरव मिला है। और हम तो भाई योग की परंपरा के व्यक्ति हैं, और योग की परंपरा में जहां आदिकाल में वैदिक ऋषियों का, महर्षि पतंजलि का बहुत बड़ा महत्व रहा है, वहां आधुनिक भारत में गुरु गोरखनाथ जी से लेकर के और पूज्य आदित्यनाथ जी महाराज जी तक हमारी नाथ परंपरा का भी बहुत बड़ा गौरव और महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा। और उस योग की परंपरा को, उस योग धर्म को अक्षुण्ण रखते हुए अपने अध्यात्म धर्म के साथ अपने राष्ट्र धर्म का प्रामाणिकता से पालन करने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री के रूप में जो बहुत बड़ा दायित्व निर्वहन कर रहे हैं आदित्यनाथ जी, मैं कह सकता हूँ जब तक ऊपर मोदी जी हैं और नीचे हमारे योगी जी हैं और हम सबके साथ आदरणीय भागवत जी हैं, तब तक इस देश में वेद सुरक्षित रहेंगे, भारत माता सुरक्षित रहेगी, गो माता सुरक्षित रहेगी, गीता सुरक्षित रहेगी, हमारे जीवन मूल्य सुरक्षित रहेंगे। और देखो यो तो आहार तो सारा ये अस्तित्व, इसमें कीट पतंग भी, आचार्य चाणक्य कहते हैं नारम चिंतित प्राज्यो धर्म में एकम ही चिंतित आहारो ही मनुष्याणाम जन्मना सह जायते। खाने पीने की चिंता करनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान इनकी चिंता करनी चाहिए, और इनको हम रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली, पानी, सड़क, इन नौ को मूलभूत अपने हम सुविधाएं बोलते हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात है धर्म तत्व। व्यक्ति भूखा रह जाएगा लेकिन वो अपने धर्म को नीलाम नहीं कर सकता। व्यक्ति अभावों में, संघर्षों में, चुनौतियों के बीच जिलेगा लेकिन अपने धर्म को वो ऊपर देखना चाहता है। तो हमारे देश में आज धर्म को गौरव मिल रहा है, हमारी धार्मिकता को, आध्यात्मिकता को, राष्ट्रीयता को गौरव मिल रहा है, और उसके गौरव को अक्षुण्ण रखने के लिए आज इधर एक ध्यान मंदिर का भी निर्माण किया है पूज्य महाराज श्री ने। और योग और ध्यान ये तो हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं, इन मूल तत्वों को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए पूज्य महाराज श्री ने बहुत बड़ा तप और पुरुषार्थ किया है। मैं संकेत के रूप में 2-3 बातें कहना चाहूँगा। भाई देखो, हम शासन से कुछ अपेक्षाएं करते वो अच्छी बात है कि हमारे देश में धर्म में निष्ठा रखने वाला शासन हो, हमारे ऋषि मुनियों में, हमारी परंपराओं में आस्था रखने वाला शासन हो, अच्छी बात है, लेकिन सब काम सरकार करेगी ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए। सरकार हमारे धर्म के तत्वों का, हमारे कस्टम्स का, हमारे ट्रेडिशंस का, हमारे रिचुअल्स का, हमारे रिलीजन का, हमारे तमाम तरह के जितने भी ट्रेडिशंस हैं इनका सम्मान करे, बात तो सही है, लेकिन बाकी काम हम सबको करना है। अभी चारों तरफ देश में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं कि देश की जो अपेक्षाएं थी उनका क्या होगा, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, यदि हम 125 करोड़ भारतीय इस देश में भारत को, भारतीयता को, हिंदू को, हिंदुत्व को, ऋषि और ऋषि संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को हम गौरव दिलाना चाहते हैं, तो हम सबको समन्वित रूप से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति ये संकल्प ले कि मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं, मैं अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूं, मैं भगवान की दिव्य संतान हूं, मैं भारत माता की महान संतान हूं, और इस कर्तव्य के साथ कि मुझे वही कार्य करना है जो एक ईश्वर की संतान को, ऋषियों की संतान को, भारत माता की संतान को शोभा देता है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। कोई ऐसा मुझे आचरण नहीं करना जिससे मेरा भारत अपमानित होता हो, कलंकित होती हो मेरी ऋषि परंपरा, कलंकित होता हो मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। एक तो ये संकल्प हम ले ले, चाहे कोई साधु संत महात्मा हो या सदगृहस्थ हो। मैंने बार बार कहा कि मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण भारत के अभिव्यक्ति हूं,
मैं अपने ऋषियों का उत्तराधिकारी हूं, मैं अपनी ऋषि परंपरा का उत्तराधिकारी हूं, मैं उसका वर्तमान हूं। मुझे वही कार्य करना है जो ऋषि परंपरा के व्यक्ति को, ऋषियों के उत्तराधिकारी को शोभा देता है, रामकृष्ण के वंशजों को शोभा देता है, मुझे वही काम करना है। यह तो बात आती है आचरण की, चरित्र की। दूसरी बात आती है मेहनत की। अभी हमारे मीडिया वाले कुछ भाई पूछ रहे थे, बाबा जी देश की जीडीपी का क्या होगा, देश की ग्रोथ रेट का क्या होगा, देश की समृद्धि का क्या होगा, देश में रोजगार का क्या होगा, देश के धर्म और संस्कृति का क्या होगा, मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं। मैंने माना कि देश के नेतृत्व को अच्छी नीयत से अच्छा नेतृत्व देना चाहिए, देश के नेताओं को अच्छी नीयत से नेतृत्व देना चाहिए और अच्छी नीतियां बनानी चाहिए। और कोई भी राष्ट्र का एक जो सुयोग्य शासक होता है, एक समर्थ शासक होता है, वो अच्छी नीयत से अच्छा नेतृत्व दे और अच्छी नीतियां बनाए, इतना काम शासन का है। बाकी देश को आगे ले जाने के लिए पुरुषार्थ करने का काम 125 करोड़ भारतीयों का। आज आदरणीय मोदी जी हो या योगी जी हो, अच्छी नीयत से अच्छा नेतृत्व दे रहे और अच्छी नीतियां बना रहे हैं। हम सब मिलकर के दो हाथ करें पुरुषार्थ में। 125 करोड़ लोगों के हाथ जब पुरुषार्थ में लगेंगे और 250 करोड़ हाथ देश के निर्माण में लगेंगे, तो मोदी जी के सपनों का न्यू इंडिया भी बनेगा और ऋषियों के सपनों का, ये राम और कृष्ण के सपनों का भारत भी बनेगा। हम राम राज्य लाना चाहते हैं तो राम जैसा चरित्र हमें जीना पड़ेगा और राम की तरह खंड प्रचंड पुरुषार्थ भी हमको करना पड़ेगा। हम भगवान कृष्ण की परंपराओं को पुनर्जीवित देखना चाहते हैं तो योगस्था कुरु कर्माणि संगम तक्त्वा धनंजय कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, पुरुषार्थ तो हमें करना ही पड़ेगा। इसलिए यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तो देश की GDP भी बढ़ेगी, हम पुरुषार्थ करेंगे तो देश की ग्रोथ रेट बढ़ेगी, हम पुरुषार्थ करेंगे तो कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समाज जीवन के हर क्षेत्र में राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हम लोग पुरुषार्थ को, परमार्थ को, कर्म को अपना धर्म मान करके जब एक व्यक्ति के रूप में नहीं, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, ऋषि शिखाओं वीर वीरांगनाओं के प्रतिनिधि के रूप में, भारत माता के प्रतिनिधि के रूप में स्वयं को तैयार करेंगे तो फिर कुछ भी यहां असंभव नहीं होगा। इसलिए हमें आज इस बात के लिए और ज्यादा गहरा चिंतन करना है कि मैं इस राष्ट्र के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। और मैं कुछ बड़े प्रश्न कह रहा हूं यहां। हम कहते हैं कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक महाशक्ति बने, वर्ल्ड स्पिरिचुअल पावर बने, तो वर्ल्ड स्पिरिचुअल पावर बनाने के लिए एक एक व्यक्ति को प्रामाणिक जीवन जीना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र पर कोई अंगुली ना उठा सके। ऐसा चरित्र हम सब भारतीयों को जीना पड़ेगा जिसका उद्घोष मनु महाराज ने किया था, एत देश प्रसूतस्य सकाशा जग्र जन्मनाः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्याम सर्व मानवः। ऐसा जीवन अपने पूर्वजों ने जिया कि पूरी दुनिया उनको अपना आदर्श मानती थी, उनका उनके आगे अपना माथा झुकाती थी, उनसे प्रेरणा लिया करती थी। ऐसा चरित्र पवित्र हो हमारा, एक तो ये संकल्प। दूसरी बात, भारत को हम आर्थिक राजनीतिक महाशक्ति के रूप में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग क्षेत्रों में तय करना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। जैसे मैं आपको अपने लिए बताता हूं, जैसे मैंने कुछ तय किया है, मेरे लोग बहुत आलोचना करते हैं, आलोचना करने दो, क्या फर्क पड़ता है। जब तक मैं अपने धर्म में, अपने स्वधर्म में, अपने अध्यात्म धर्म में, राष्ट्र धर्म में प्रामाणिकता से लगा हुआ हूं, तब तक दुनिया में मुझे कोई गिरा नहीं सकता और जिस दिन मैं गिर जाऊंगा उस दिन मुझे कोई उठा नहीं सकता। इसलिए अपने स्वधर्म में, अपने अध्यात्म धर्म में, अपने राष्ट्र धर्म में हमें प्रामाणिकता से जुटे रहना है, आलोचनाओं की चिंता नहीं करनी। जैसे मैं आपको कह रहा हूं ये अपने आत्म श्लाघा के लिए, आत्म प्रशंसा के लिए नहीं, कुछ करने की प्रेरणा के लिए आपसे कह रहा हूं। मैं एक अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुआ, पढ़ने के लिए मेरे पास में नई पुस्तकें नहीं हुआ करती थी, सेकेंड हैंड बुक लेकर के सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था पेड़ की छाया के नीचे बैठ करके, क्योंकि स्कूल में मकान नहीं थे। लेकिन मैं आपको कहता हूं, अनपढ़ माँ बाप के घर से सरकारी स्कूल में और गुरुकुल में पढ़ने से लेकर के यहां तक पहुंचा हूं तो मैंने कुछ तय किया था जीवन में कि मुझे 18 से 20 घंटे पुरुषार्थ करना है। 9 साल की उम्र से लेकर के और आज तक
मैंने छुट्टी की छुट्टी कर रखी है, कोई दिन भी छुट्टी नहीं लेता। मेहनत करनी पुरुषार्थी मेरा धर्म है, पुरुषार्थी मेरा स्वभाव। अरे पुरुषार्थ करने में इतना आनंद आता है, किस बात की छुट्टी भाई। जिस किसी को देखो आज छुट्टी मनाने यहां जा रहा है, आज छुट्टी मनाने वहां जा रहा है, इंतजार करते रहते हैं कोई छुट्टी मिल जाए। पहली बार शासन के स्तर पर छुट्टी की छुट्टी योगी आदित्यनाथ जी ने की, नहीं तो महाराज महापुरुषों के नाम पर पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिसको देखो आज इस महापुरुष के नाम छुट्टी, आज इसके नाम छुट्टी। भाई काम कब करेंगे? ये बहुत बड़ा साहस का काम था कि छुट्टी की छुट्टी करके सबको कहा कि भाई पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ करके महापुरुषों को याद करो तो उनकी स्मृति सच्ची होगी, तो उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता होगी। तो भाई देखो हमने 18 घंटे मेहनत की है। ये जो मंच पर महापुरुष बैठे हैं, हमारे संत महापुरुषों से लेकर के योगी जी से लेकर के और हमारे आदरणीय भागवत जी तक, ये 18-18 घंटे पुरुषार्थ करते हैं। हमें कहा जाता है कि आज अमेरिका विश्व का नेतृत्व करता है, वो विश्व की नीतियों को प्रभावित करता है, वो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करता है। क्यों? देखो अमेरिका में लाख दुर्गुण हो सकते हैं, वो अपने विरोधियों पर आक्रमण करता है, बमबारी करता है, मैं मानता हूं। वो कुछ निर्दयता भी करता है, क्रूरता भी करता है, मैं मानता हूं। लेकिन एक बात और कहता हूं, अमेरिका के नागरिक पुरुषार्थ करते हैं और इसीलिए आज वर्ल्ड बैंक उनके पास है, IMF उनके पास है। किस देश की करेंसी की क्या कीमत होगी अमेरिका तय करता है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी वो पूरे वर्ल्ड के बैंकिंग सिस्टम से लेकर के पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO से नियंत्रित करता है। कोई नहीं माने तो UNO के माध्यम से उसके ऊपर एक बहुत बड़ा राजनीतिक दबाव डालता है। पूरे विश्व की स्वास्थ्य सेवाओं को वो नियंत्रित करता है WHO के माध्यम से। हम भारतीय ऐसा पुरुषार्थ करें कि आने वाले 20-25 वर्षों में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय अमेरिका में ना होकर के WHO का मुख्यालय हिंदुस्तान में बने, WTO हिंदुस्तान में बने, वर्ल्ड बैंक, IMF और UNO का हेड ऑफिस ऑफ अमेरिका से शिफ्ट होकर के हिंदुस्तान में आ जाए। इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन धरातल पर काम नहीं करेंगे तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र में हमें प्रयास करना पड़ेगा, कृषि के क्षेत्र में हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, शिक्षा स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में हमें इस देश को उन्नत बनाने के लिए प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और उसमें हमने एक प्रयास किया कि इस देश को हमें यदि अमेरिका से आगे ले जाना है तो इसकी GDP होनी चाहिए 1,000,00,000 करोड़ की। कितने की बोली मैंने? बोली है 1,00,000 करोड़ नहीं, 1,000,00,000 करोड़। अभी कितनी है? करीब 1,00,00,000 करोड़ है। कितना आगे जाना है? 10 गुना आगे जाना है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अरे हम सब भारत माता की सपूत हैं। तो मैंने एक बात कही कि इस देश की यदि 1,000,00,000 करोड़ की GDP बनानी है तो 1,00,000 करोड़ रुपए का योगदान हम पतंजलि की तरफ से देंगे, ऐसा हम पुरुषार्थ करेंगे। यदि इस देश में हमें 1,000 विश्वविद्यालय विश्व स्तर के बनाने हैं तो 1 विश्वविद्यालय हम बनाएंगे। इस देश में यदि हमें विद्यालय विश्व स्तर के बनाने हैं तो उसमें 500,000 विद्यालय हम बनाएंगे। इस देश में विश्व स्तर की गौशालाएं बनानी है तो उसमें विश्व स्तर की गौशाला हम बनाएंगे। इस तरह से हम सब पुरुषार्थ करें और प्रामाणिक जीवन जिए। साधु संतों के चरित्र पर प्रश्न उठाए जाते हैं, लोग मजाक में कुछ सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, किस तरह की बातें होती रहती है। कुछ लोग आलोचनाओं में ही समय गवा देते हैं, काम करने वाले अपना काम करके चले जाते हैं। हमें एक काम तो ये करना पड़ेगा कि हम स्वयं प्रामाणिक बने, जिससे किसी साधु संत महात्मा से लेकर के किसी सद गृहस्थ के ऊपर कोई चरित्र के ऊपर अंगुली ना उठा सके। न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यप न अनाहुताग्निर्न विद्वान न स्वरी स्वरिणी कुतः। ये उद्घोषणा थी हमारे राष्ट्र के चरित्र की। ऐसा पावन चरित्र हो हमारा, हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं, हम प्रगति के विरुद्ध खड़े ना हों। एंटी प्रोग्रेस थॉट
थॉट प्रोसेस चलता है, जो कोई उन्नति कर रहा हो उसकी टांग खींचने में लग जाते हैं हम लोग। हमारी सोच प्रगतिशीलता के विरुद्ध ना हो, कोई राजनीति में, कोई धर्म में, अध्यात्म में है, सेवा में है, कोई आगे बढ़ रहा है, हो सके तो सहयोग करना, इतना ना हो सके तो कम से कम उसके साथ सद्भाव रखना, मन से तो उसका साथ देना, साथ ना खड़े हो सके तो भी। आज ये दो ही बातें कह के कि हम स्वयं राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हों, और जो राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तौर पर पुरुषार्थ कर रहे हैं उनका हम साथ दें। आज ये इतना पावन अवसर, आप हजारों हजारों भाई बहन और इतने सुंदर परिवेश में यहाँ पर एकत्रित हुए, पूज्य महाराज श्री ने कहा कि इतनी तपस्या की है आपने घंटों तक, और सब महापुरुष भी यहाँ पर विराजमान हैं, एक बार सबका अभिनंदन करता हुआ और सबके भीतर विराजमान उस ब्रह्म तत्व को प्रणाम करता हुआ अपनी बात को इसी संकल्प के साथ विराम देता हूँ कि हम सब मिलकर के एक एक व्यक्ति संपूर्ण भारतीयता को अपने भीतर समेटते हुए पुरुषार्थ करेंगे तो एक दिन ये भारत माता परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु अवश्य बनेगी, और ये सौभाग्य हमें अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेगा। इतना ही कहता हुआ बोले भारत माता की।